अस्सलाम वालेकुम हमारे भेनो भरा, उम्मीद करना के सारे भेन भरा ठीक ठाक हो सन, अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ो ईमान ही चोसन जी। भेनो भरा हमी वीडियो एक कहते आए हैं जी, तुम्हें दसी सी लास्ट वीडियो में बया सा जी कि असा जने पे सुधन गली तू गंगा चोटी, तो गंगा चोटी ने रस्ते बच्चे असा कैंपिंग करना स्टार्ट की सी। कैंप असा हूँ इतने उसकी तैयारी वगैरह करने पे, कैंपिंग करी जदों कैंप वगैरह असा सारा उगी रहे ना, तो फिर उस तो बाद एंड वाली वीडियो तुम्हें दसा, क्योंकि इतने असा स्टैंड ना भुली गए जिसकी वजह तो हूँ वीडियो जी है ना आसानी नहीं बननी पी। तो स्नोफॉलिंग स्टार्ट होनी है, तो असं चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके असा इस टेंट की जड़ा ना उसकी ओके करा, फिर कि किस तरह सर्वाइव करने हैं। इतने पहुंची तो असं क्या खासा पीसा क्या खासा वो पकाना खाना पीना सारा कुछ खुद ही है। ये जरा माल पिया ना सक भाई दसो सारा इे माल जड़ा ना असं इसकी इतने बना सौ, कुकिंग भी असं करने नाल ही। अगर अस ना ज्यादा स्नोफॉलिंग हो गई तो असं कोशिश कर सके नाल किधरे और भी एडजस्टमेंट कर ले। तो हूँ कम स्टार्ट करने अपने टेंट वगैरह ना, तो फिर एंड पर तुसें ना मिलने हैं जी। तो भेनो भ्राओ फाइनली असा ना ये टेंट वगैरह जड़ा ना वो रेडी हो ही गया, इसकी थोड़ा बहुत असा बर्फ ने नाल ना इस तरह करने पे हैं ताकि आसने जिले बर्फ पे भी जाए ना तो ये हथे थोड़ी भी है लेकिन असं सरवाइव करी सकां। भेनो भ्राओ और चीजा असा सारिया रेडी हुई बगैर असा लगी है, साकब साहब होना सारी मेहनत की है लेकिन क्रेडिट भी उन्हें की जाना। इतने इतने एक ज्यादा सर्दी है ना कि असनी बस हो नहीं, माड़ी पर्सनली बस हो नहीं है। तो साकब साहब ने सारा जुगाड़ किया, बड़ी अच्छी कैंपिंग की इन्हें, लेकिन एक चीज़ जी है ना अस हमेशा भुलने ना, अस कुहाड़ियाँ की तो ना ही असा कोई लकड़ी ना कोई बंदोबस्त किया। तो हूँ असं जाने पे वो पार असाई एक लकड़ी मिली, तो उम्मीद तो इे करने कि अस कि इतने ने जो बंदा हासिल करी छोड़ी उतो असें लकड़ देसी और लकड़ असं घिनी तो इसकी अगर आनी ना, तो असं एक तरपाल टाइप बनाना चाहते हैं जिसने थले असं कुकिंग करो। तो चलो जुले पारू जुली लकड़ चाहिए जन्ने जी। तो असं की लकड़ जी चाहिए सी लकड़ ने मालिक चाचा और चाचा साढ़ी छोटी जी मदद करो, दो लकड़ा चाहिए असं की दो लकड़ा, एक जिस एक खूंडी नहीं है बेहतरीन। बहुत शुक्रिया ना, क्या अहमद साहब, अहमद साहब थैंक यू सो मच, बड़ी नवाज है, शुक्रिया। हथौड़ी किस बाइक आंदा है जी? अभी बस से पहले आया हूं जी, जब बर्फ पड़ी थी उससे पहले ही आप लेके आए थे। ठीक है भेनो भ्राओ, एक और चीज तुसे दसा कि इथे अहमद और ना कार है और इना इस स्नो फॉलिंग ने तू पहले ही ना अपना बाइक इथे पार किया, मैं पूछा कि इथे किस तरह आंदा था आने के स्नो फॉल तो पहले था उन कदू थोड़ी तुसा नहीं पॉसिबल है कि इसकी तुसा थले तक खड़सो बस जी, जब रोड क्लियर, जब रोड वैसे लग जाएगा तकरीबन महीना तो पक्का लगेगा, एक महीने तक ये इधर ही रहेगा सर। जी तो भेनो भ्राओ सारे तजर्बे सक्सेसफुल होए, लेकिन एक तजर्बा जो अग ने अग इतना माइनस की जड़ा असा लैक्स रखे ना ना वो भी नहीं बनी थी। फाइनली असना टेंट जड़ा असना कैंप वगैरह वो असना रेडी है, असा उसने अंदर कुकिंग वगैरह भी की है, कुकिंग ने तकरीबन ऑलमोस्ट 80% असा कुकिंग भी डन करी छोड़ी है माशाल्लाह। असन ये जो मिशन था सारा सक्सेसफुल होया।
काफी ज्यादा टूरिस्ट है सारे बंदियां नूं मैं वेखणा जिन्ने तुहाडे कण जिहड़े सुरख होए ने ना लाल इन्ने किसे दे नहीं होए ना कन्ना ते कोई शहर रख लो ना यहाँ के लोगों के बारे में आप क्या कहते हैं यहाँ के लोग भी अच्छे हैं हम जाती खुद कश्मीरी हैं जी जी ठीक मैं यहाँ कहीं रिहायशी हूँ जाती खुद कश्मीरी हूँ वैसे तो ये अपने लाहौर के दो तीन दोस्त थे इनको शौक था जरा बर्फ देखने का इनको दिखाने सैर करवाने के लिए लेके आए थे ठीक ठीक हर साल हम लोग आते हैं ठीक है क्योंकि आपको मालूम है कि मरी में किस तरह की एक वो कंडीशन होती है कि बहुत ज्यादा रश भी होता है जी जी तो लोग वहाँ पे अब कहीं पे स्टक हो जाते हैं जिस तरह के एक वाक्य आपके आप सबको मालूम है कि हुआ जी जी बिल्कुल काफी बड़ा सानिया आ रहा था जिसमें काफी ज्यादा लोग इस तरह से गाड़ियों के अंदर वो शहीद हो गए थे ठीक ठीक तो उसके अलावा वहाँ पे जौन सा लोगों का रूट बिहेवियर है और चीजें बहुत एक्सपेंसिव है जी जी रश ज्यादा होने उसकी निस्बत आप कश्मीर में यहाँ खास करके गंगा चोटी के और सुदन गली के और बाग के लोगों के बारे में क्या कहेंगे उसके निस्बतन कश्मीर बहुत बेहतर है यहाँ पे यहाँ के लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है वो कोऑपरेट करते हैं आपके साथ और यहाँ पे जौन सी आपको लाहौर में जितनी की चीजें मिलती हैं उतनी ही की यहाँ पे मिलती है मतलब ये कि यहाँ पे कोई एक्सपेंसिव नहीं है इतने जी जी आप मतलब नॉर्मल टूर करना चाहते हैं तो आप इजीली मतलब कि यहाँ पे अभी भी इस टाइम पर भी टूरिस्ट पॉसिबल है कि टूरिस्ट यहाँ पे आ सकते हैं बिल्कुल पॉसिबल है आते हैं और आ भी रहे हैं जी आपको मालूम है अभी ये खा सकते हैं कि अभी मतलब ठंडे मौसम में भी जब आप देख रहे हैं हाई अल्टीट्यूड है यहाँ पे सतह समुद्र से काफी ऊंचाई है यहाँ पे ऑक्सीजन का भी मसला है 10,000 फुट बुलंदी पर ये मौजूद है यहाँ पे जी जी इससे ऊपर गंगा चोटी है वहाँ पे तो जाना नामुमकिन है अभी क्योंकि वहाँ पे 3 फुट से ज्यादा बर्फ है ठीक ठीक लोग यहाँ तक की अभी आ रहे हैं ठीक है ब्रदर बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आज ये कुकिंग हुई है करके हम आएंगे क्या क्या खाते हैं वो भी आपको दिखाते हैं जी तो भैनों भ्राओ फाइनली साकब साहब और ये चीज़ा असं रेडी कीतियाँ थैंक यू सो मच साकब साहब और उस तो बाद ऐप आई और ये भी असं इतना बर्गर वगैरह खाने हैं उस तो बाद चाय वगैरह माशाल्लाह चेक करी सकने हो चाय इतनी मज़े नहीं बनती और असें नाल हफीज साहब जी बिल्कुल हफीज साहब तुसें इत्थे कैसा लगी रहा बहुत बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी है कि जिंदगी च इस तरह ने चीज सोची भी नहीं सी के गंगा चोटी इतना मजा आसी गंगा चोटी माइनस टेंपरेचर और उस तो बाद उठे कैंपिंग और कैंपिंग तो बाद ये बर्गर और पापे ने हथा ने पापे ओ थैंक यू सो मच ते पेनो प्रो हुन असा कुछ खाई की ना खाई ता फिर मिलया तुसा की जी ते पेनो प्रो असा खाना वगैरह उठे खादा जड़ा साकु सापर ने बनाया सा लेकिन एकदम ना इतना ज्यादा तूफान आया कि असा की फोन ना होश ही नहीं रहा फोन भी खराब हुई असा फिर असा पहुंची आए अपने एक गेस्ट हाउस ने अंदर और इथे रूम वगैरह किंदा ते राती हुन इथे ही रात गुजारसा ते पेनो प्रो उम्मीद करना कि तुसे आज नी ये जड़ी वीडियो सी ये चंगी लगी होसी वीडियो चंगी लगी है ते वीडियो की लाइक करी छोड़ो चैनल की सब्सक्राइब करी छोड़ो और अगर तुसा फेसबुक पेज पर तकने हो ते फेसबुक पेज की भी फॉलो करी छोड़ो उनकी इंसान इजाजत अल्लाह सोने वाले हैं।